दोस्तों नमस्ते। आज हम SDF पे हम मैनुअली प्राइमिंग करके आपको बता रहे हैं। हम ऑनलाइन प्राइमिंग नहीं करेंगे, हम मैनुअली प्राइमिंग करेंगे। एंड मैनुअल प्राइमिंग करने के लिए आपको 1 लीटर का NS लगेगा, इन्फ्यूजन सेट लगेगा, राइट। और आप देख सकते हैं हमने टेस्ट में डाल दिया है। तो अभी हम मैनुअल प्राइमिंग करने जा रहे हैं। ये आपका कोडेक डायलेजर है FX600, राइट। तो हम डायलेजर को लगा देंगे, ये डायलेजर होल्डर में हमने डायलेजर को लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, SDF का प्राइमिंग करने जा रहे हैं। बट आपको मैनुअल प्राइमिंग करना है, तो जैसे आप डायलिसिस का प्राइमिंग करते हैं वैसे ही करना है। सो प्राइमिंग करने के लिए हम जैसे डायलिसिस का हम कनेक्शन करते हैं वैसे ही कनेक्शन करेंगे। हमने वीनस लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम वीनस लाइन कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं विनस लाइन कनेक्ट हो गया। अभी हमें आर्टरियल लाइन कनेक्ट करना है। तो सिंपली आप जैसे डायलिसिस का प्राइमिंग करते हैं, डायलिसिस पे जैसे आप प्राइमिंग करते हैं, वैसे आपको SDF पे मैन्युअली प्राइमिंग करना है विथ हेल्प ऑफ NS। आपको सब्स्टिट्यूट पंप की जरूरत नहीं पड़ती है प्राइमिंग में। बट सब्स्टिट्यूट पंप की प्राइमिंग जब आप SDF चालू करेंगे उस समय आपकी उसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। सो हमारा ये टेस्ट पास हो गया है। सो हम ये देखिए ब्लड ट्यूबिंग का कनेक्शन कर रहे हैं। तो हम इसको NS में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। NS में कनेक्ट करने के बाद हम इसका प्राइमिंग चालू करेंगे। आप देख सकते हैं ये सारा कनेक्शन हो गया हमारा, ठीक है, राइट। अभी हमें सब्स्टिट्यूट पंप में सेगमेंट नहीं लगाना है, जब हमारा मैनुअली प्राइमिंग हो जाएगा उसके बाद लगाएंगे। हमने क्लैंप ओपन किया और हम पंप चालू करेंगे, राइट। हमने ब्लड फ्लो 200 ml/min रखा है। सो हम मैनुअली प्राइमिंग कर रहे हैं, राइट ना। हम सब्स्टिट्यूट पंप का यूज नहीं कर रहे हैं फॉर प्राइमिंग, राइट। सिंपली है, जैसे आप डायलिसिस का प्राइमिंग करते हैं वैसे ही आपको करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बता रहा हूं, काफी सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। अब इस लाइन को प्राइम करना है तो आपको सिंपली पंप को बंद करना होगा, राइट। ये लाइन प्राइम हो गया। बहुत सारे जगह पे लोग सिरिंज यूज करते हैं, तो अननेसेसरी कोई भी सामान बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारा हिपेरिन लाइन भी प्राइम हो गया। प्राइमिंग करते समय हम डायलेजर को उल्टा कर सकते हैं ताकि एयर इजीली निकल जाए। प्राइमिंग में थोड़ा टाइम लगता है, मैनुअली आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बट
आपने ब्लड फ्लो कम रखा है तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ये आपका डायलेजर हमने हाथ में होल्ड किया है, FX600 डायलेजर है। इसका सरफेस एरिया कितना है बताएगा कोई? 1.6 मीटर स्क्वायर है, राइट। काफी अच्छा कार्डियो प्रोटेक्टिव डायलेजर है, कॉर्टेक्स FX600। इसका FX800 भी आता है और FX1K भी आता है। सो थोड़ा सा एयर हम निकालेंगे, राइट। होने वाला है आइडियली न्यू डायलेजर को 1 लीटर से प्राइम करना चाहिए और 500 हमें रिटर्निंग के लिए रखना चाहिए, राइट। और इन बिटवीन कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, किसी का बीपी कम होता है तो उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं, या किसी का रिबैंड फ्री है तो फ्लशिंग करना है, एनएस फ्लशिंग करना है, उसमें यूज कर सकते हैं, राइट। और टर्मिनेशन के लिए भी आपको एनएस की रिक्वायर्ड होती है तो आप 500 ml हैंग करके रख सकते हैं, जो कि हमने रखा है यहाँ पे 500 ml का एक, राइट। सा बचा हुआ है 1 लीटर में, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। मैनुअल प्राइमिंग जैसे आप डायलेजर का प्राइमिंग करते हैं डायलिसिस में, वैसे ही आपको एचडीएफ में आपको जो एसडीएफ फिल्टर है FX600 और ब्लड ट्यूबिंग का प्राइमिंग करना है। जब ये प्राइमिंग हो जाता है उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूट पंप का ये आपको प्राइम करना होता है, जो लाइन होता है और उसका कनेक्शन भी आपको मैं बता दूंगा। काफी इजी तरीका है उसको प्राइम करने का। सो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, राइट। तो हमने डायलेजर को सीधा कर दिया। थोड़ा सा बचा है तब तक हम चाहे तो सब्स्टिट्यूट सिस्टम का जो सब्स्टिट्यूट पंप है उसका हम ये ट्यूबिंग लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं, राइट। तो सिंपल तरीका है। इसको नहीं खोलना है, कभी भी ओपन नहीं करना है, सबसे लास्ट में ओपन करना है जब आपको कनेक्ट करना होगा तब, राइट। राइट, अभी मेरा ये हो गया है कंप्लीट। हमने ये सेगमेंट लगा दिया, अब कनेक्शन करना है। जैसे हमारा प्राइमिंग हो जाता है उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे, राइट। थोड़ा सा एनएस बचा है 1 लीटर कंप्लीट होने में। ये सिंपल तरीका है। कभी अगर पेशेंट को आने में टाइम लगता है, आप मैनुअली प्राइम करना चाहते हैं, मैनुअली प्राइम करके रख सकते हैं। जब पेशेंट आए तो आप सब्स्टिट्यूट कनेक्शन करके उसको रेडी कर सकते हैं। सो हम प्राइमिंग कर रहे हैं डायलेजर एंड ट्यूब, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट लाइन का कनेक्शन करेंगे। ये होने वाला है कम्प्लीट, राइट। देखिए थोड़ा सा एनएस रहता है, ये कंप्लीट कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल सिंपल। में जितना टाइम ले रही है मशीन 200 ml/min पे ब्लड फ्लो है, राइट। पंप का स्पीड है, राइट, उसी पे हम प्राइमिंग कर रहे हैं ना, हम कुछ उसमें चेंजेस कर रहे हैं। ये देखिए कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा बचा है, राइट। तो हमें ब्लड पंप को स्टॉप करना होगा,
तो हम ब्लड पंप को ये देखिए हमने स्टॉप कर दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। और हमें हमने 500 वाले जो एनएस हैंग करके रखा है उस पर रख दिया, और ये हम कनेक्ट कर दिया हमने प्री पंप चैम्बर, और हमने ये भी कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं राइट। सो ये हमारा प्राइमिंग कंप्लीट हो गया राइट। प्राइमिंग कंप्लीट होते ही हमें रिसर्कुलेशन पे आ गया राइट। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, तो मशीन क्या बोल रही है वो फॉलो करते हुए हमें कनेक्शन लगाना है राइट। हमने कनेक्शन लगा दिया, इंटर कर दिया बरोबर यस। अब ये हम कनेक्ट करेंगे आपके सामने, ये हमने कनेक्ट कर दिया राइट। अब ये कनेक्ट करने के बाद क्या होगा आप देखेंगे थोड़ी देर में, ये हमने कनेक्ट कर दिया है फिलिंग अप, जो भी इसका प्रोसेस है वो हो रहा है। जैसे फिलिंग कंप्लीट होता है मशीन अलार्म देगा राइट। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अब ये कंप्लीट हो चुका है। सो हमें क्या बोलना है, इंटर करना है हमें राइट। आप देख सकते हैं पंप स्लोली चालू हो गया है, तो हमारे पास मौका है इसको प्राइम करने का। सो हम उसी समय खोलेंगे जब हमें प्राइमिंग करना है, तो ये भी हम चाहे तो ओपन करके प्राइमिंग कर सकते हैं। हमने ये भी प्राइम कर लिया है, अब नेक्स्ट हमारा ये प्राइमिंग करना है। हमने ओपन करके रखा है, आप देख सकते हैं इसमें रिफिल होगा यस। और हम ये जैसे आने से पहले हमने इसको खोल दिया, सो ये हमारा कंप्लीट प्राइमिंग हो गया ठीक है। ये देखिए कंप्लीट प्राइमिंग, सो ये सिंपली इसके बाद हमारा ये मशीन रेडी हो जाती है राइट। उसके बाद हम डायलिसिस चालू कर सकते हैं, कंप्लीट हो गई है राइट। सो ये छोटा सा वीडियो है मैनुअली प्राइमिंग का, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद हम पेशेंट लेने जा रहे हैं, ओके नमस्ते।